Welcome to the class of physics. Today we are continuing the previous lecture and solve the numericals based on capacitance. Okay, so what is the statement for today's numerical? That is, a capacitor is filled with, means you are given two capacitors. Okay, first you are given the two figures. We have a capacitor like this. This is the D, as usual, the distance between the plates of a capacitor. We have filled this capacitor, the space between the plates, with dielectric materials of constant K1 and K2 like this. Okay. This line separates the two, means we have filled one dielectric medium in the upper half of the capacitor. Plate ka area A hai. Upper half jo hai, upper half ka matlab D by 2. Usme humne ek dielectric material dal diya jiska dielectric constant K1 hai. Aur jo lower half hai, wo agar hai to main usko cross se denote kar deta hu. जो लोअर हाफ है उसमें अनदर डायलेक्ट्रिक मीडियम डाला है जिसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K2 है एंड दिस इज ऑल्सो इन द डिस्टेंस D/2. ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर नाउ. सो इफ द टू डायलेक्ट्रिक मीडियम्स आर इंसर्टेड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर एंड they are filled as separating the distance into two equal half. It means half of distance mein agar filled ho, pura distance d tha, half distance D/2, half distance D/2 mein. Agar distance ko half of kar rahe ho, they are in series combination. We are in series combination. Okay? Agar dielectric mediums डिस्टेंस को हाफ ऑफ करके फिल किए गए होंगे तो दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन. इट मीन्स वी हैव टू कैपेसिटर्स नाउ. फर्स्ट इज दिस अपर हाफ एंड सेकेंड इज दिस. दिस इज कैपेसिटर C1, दिस इज कैपेसिटर C2. वट इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C1? अगर कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम हम डाल दें तो कैपेसिटेंस क्या है इसका? दैट इज K C0 हो जाता है. के इज K1, C0 क्या होता है? A एप्सिलॉन, और डी कितना है? D/2 है. K1 A epsilon D/2 2 पर आ गया, सो इट विल बिकम 2K1 A epsilon by D. ओके, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ C2? नाउ दिस इज K2 C0 हो जाएगा, दैट इज K2 A epsilon D/2, सो इट विल बी 2K2 A epsilon by D. सो वी हैव टू कैपेसिटर C1 एंड C2. ओके, नाउ दे आर इन सीरीज बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ dielectric constant which are filled in the capacitor separating the distance into two equal half. दो equal half में divide करके अगर distance को half करके डाला जाए तो series में होते हैं. It means C1 and C2 are in series. Series में total capacitance निकालने के लिए C1 1 by C1 plus 1 by C2. 1 by C1 और 1 by C2 अगर हम इसको करें तो 1 by करके अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो D ऊपर आ जाएगा. 2K1 epsilon प्लस डी 2K1 K2 ए एप्सिलॉन. इफ यू आर टेकिंग द एलसीएम, बट एलसीएम इट विल बी 2K1 K2 ए एप्सिलॉन. 2K1 K2 ए एप्सिलॉन, पहले इसमें कॉमन ही निकालना जो निकलता है, इजी हो जाएगा थोड़ा. D/2 एप्सिलॉन कॉमन आएगा, क्या बचेगा? 1/K1 + 1/K2. अब इनको सोल्व कर लेते हैं. D/2 ए एप्सिलॉन बाहर है ही, तो ये क्या आ जाएगा? K1 K2 एलसीएम, दैट बिकम K2 + K1. तो ये 1/C की वैल्यू है, हमने C की वैल्यू निकाली है. तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? वैल्यू ऑफ C विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ऑल दिस, सो इट विल बी 2A/D (K1 K2) / K1 + K2. सो दिस इज द टोटल कैपेसिटेंस आफ्टर फिलिंग टू डाई इलेक्ट्रिक्स. ओके, so if the dielectrics are separating the distance into two equal half,
then they the two capacitors will be formed and they are in series combination. In the same concept, if two dielectrics are filled in a capacitor, प्लेट का एरिया ए है, डिस्टेंस फिर से वही डी है, इस तरह से फिल किया गया हो कि वो डिस्टेंस को ना हाफ कर रहा हो, एरिया को हाफ कर रहा हो, इट मीन्स अब यहाँ इधर एक डायलेक्ट्रिक इधर फिल किया गया और डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के वन, बट ये पूरे डिस्टेंस डी में है. अब ये एरिया प्लेट का ए है, उसको हाफ कर रहा है, ए बाई टू एरिया को हाफ कर रहा है, और इधर अनदर है, ओके तो एरिया ए बाय टू में डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के टू डालूंगा. तो अब एरिया को हाफ कर रहा हूँ, तो दो कैपेसिटर बन गए, दिस इज कैपेसिटर सी1, दिस इज कैपेसिटर सी2, दे आर इन पैरेलल. तो पहले फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या बनेगा, के वन सी नॉट, के वन सी नॉट क्या होता है, ए एप्सिलॉन बाय डी होता है, बट नाउ ए इज नॉट ए, ए इज ए बाय टू, नीचे आ जाएगा टू. सो व्हाट विल बी सी2, दैट इज के टू सी नॉट, के टू a by 2 epsilon not by d. Now we have two capacitors c1 and c2, but they are in parallel. c1 and c2 are in parallel. Okay? So parallel में product capacitance निकालने formula c1 plus c2. Parallel में total capacitance निकालने formula क्या बनता है, c1 plus c2. तो so, c1 plus c2 कर दो, जो common आता है वो लिख दो, a epsilon by 2d. K1 plus K2 common आ गया. So it will be total capacitance when two dielectrics filled in the space between the plates of capacitor by when they are separating the area into two equal halves of the plate. They are in parallel combination. Okay? So this is the another type of numerical you can solve. So this is all about the numerical session. So some unsolved questions will be given to you and every one of you have to solve the questions and send the answer to my personal WhatsApp wall. So thanks and have a nice day.